मनावर में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटा, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा राजेश तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश गिरजे रहे उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से और कार्यकर्ताओं से मिलने प्रदेश प्रवास पर है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश जाटव क्षेत्र में जनता से सतत संपर्क के लिए हमेशा जाने जाते हैं। डॉक्टर कैलाश जाटव को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष 17 जनवरी को नियुक्त किया और 26 जनवरी से ही प्रदेश के जिलों का प्रवास प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर कैलाश जाटव के इस कार्य की प्रशंसा शीर्ष नेताओं के द्वारा की जा रही है। डॉक्टर कैलाश जाटव ही ऐसे एकमात्र मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने सबसे पहले पूरे प्रदेश का प्रवास प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर कैलाश जाटव ने उज्जैन और इंदौर दो संभाग का दौरा पूर्ण कर लिया है। डॉक्टर कैलाश जाटव के निजी सहायक इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव 7 फरवरी से ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर कैलाश जाटव प्रदेश अध्यक्ष अनुसार आजा मोर्चा आजा पर परिचय बैठक संगठन में अच्छे कार्यकर्ता आगे आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है अंतिम छोर के व्यक्ति की उसको ग्राम केंद्र बस्ती केंद्र और बूथ तक ले जाए, इसी आग्रह और निवेदन के लिए मैं आज आपके जिले में आया था।